साथियों नमस्कार। शोध यात्रा का 14वां दिन है और हम लोग इस समय शाम को मौजगढ़ में इवनिंग सेशन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मर हैं श्री सुरेंद्र सियाग जी। नमस्कार सर, एक बार अपने साथियों का इंट्रोडक्शन करा दीजिए। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे दादाजी जी मोहनलाल, ये मेरे गाँव में से भतीजा लग रहे हैं जी बालकृष्ण, और ये भी आपकी तरह एडवोकेट हैं जी, और ये मेरा भतीजा ही है योगेश, और अभी मौजूदा गाँव सरपंच सरपंच जी। आप सभी का स्वागत है साथियों। सर, हम आपसे ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि जो जैविक किन्नू की खेती का आपको अनुभव है और आप अपने किन्नू की मार्केटिंग भी स्वयं कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आप हमारे को बताइए सर। जैविक करना जो है एक ये किन्नू जो है ग्राफ्टेड जी, और इसके पैदावार के लिहाज से इसकी बहुत सारी आवश्यकताएं रहती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की जी, मेजर खाद की ओर है तो उसके लिए एक मतलब जो आम प्रचलित आसान तरीका है केमिकल से वो सब देने का, लेकिन हम लोग अपनी भूमि की संरचना के लिए, अपनी ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए और एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए जी, हम रासायनिक खादों से दूर रहते हुए जैविक खेती करते हैं और हमें उसी में अच्छा लग रहा है, और उससे हमें ये कब तो, आप जैविक की तरफ कब मुड़े आप? वैसे देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि हम बुजुर्गों से पुरखों से पीढ़ियों से ही जैविक खेती करते आ रहे हैं, क्योंकि जब 1960 में अपने यहाँ हरित क्रांति के लिए खाद लाई गई, उससे पहले तो कहीं अपने रासायनिक खाद था ही नहीं, तो जैविक खेती ही होती थी, सब नेचुरल थी। और आज भी हमारे पास कुछ एरिया जो है वो रेनफेड है, अच्छा, वर्षा आधारित है, अगर बारिश होगी तो उसमें बुआई होगी जी, वरना खाली रहेगा जी, जी। तो उस खेत में आज तक कभी केमिकल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, नहीं हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब बुजुर्गों की देन है। बिल्कुल सही बात है। और फिर भी हमने जो रासायनिक खाद जहाँ बीच में प्रयोग की जा रही थी, ये बुजुर्गों ने हमेशा से ही इसको कम से कम इस्तेमाल करने के लिए जोर दिया, और वो ये मानते थे कि ये एक तरह से नशा है, ये जितना हम देंगे अपनी ज़मीन उतना ज़्यादा ये उतना आधी होती जाएगी, हो जाएगी, इसको कम से मतलब कम इस्तेमाल किया जाए, तो वही नीति अपनाते रहे। लेकिन उसके बाद 1992 से हमने हमारे जहाँ खेतों में रासायनिक खाद भी दी गई थी उनको भी हमने बिल्कुल रासायन मुक्त करने के लिए शुरुआत कर दी 1992 से जी। और शुरुआत में हमें मतलब उसके लिए मुश्किल भी आई कि जब हम अपना उत्पाद बेचने के लिए लेके जाते थे तो लोग बोलते थे कि इसका हम कैसे विश्वास करें जी, उसके लिए सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन चाहते थे। ठीक बात है। तो इसके लिए फिर हमें धीरे धीरे ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसकी सर्टिफिकेशन करवाई जाए, और 2005 से हमने इसके लिए वो प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया गया। तो हमारा SGS इंडिया लिमिटेड जो है सर्टिफिकेशन आपका उत्तर भारत की जो अपनी एक एपिडा अप्रूव्ड कंपनी है, उनसे हमारा सर्टिफिकेशन हुआ जो आज तक लगातार चल रहा है। तो आपने अपने किन्नू के भी को भी मार्केट किया, और आपने दूसरे जो नए उत्पाद हैं जी उनकी भी आपने मार्केटिंग शुरू की। क्या क्या उत्पाद अभी आप पैदा कर रहे हैं? अभी जो परंपरागत यहाँ होने वाला जो भी फसल है रबी में और खरीफ में, दोनों सब तरह की फसल ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास बाग भी है जी, कपास भी है जी, धान भी हम ले रहे हैं, गन्ना भी है, और दालें चना मूंग जी, जिसमें बाजरा। तो आप ये चीज़ें अकेले कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं? नहीं, हमारा सर्टिफिकेशन जो है ये ग्रुप सर्टिफिकेशन। अच्छा, किया हमने। कितने किसान शामिल हैं इसमें? अभी मेरे यहाँ से जो है परिवार में से हमारा पूरा परिवार है, जिसमें से करीब 15-20 ग्रुप लैंड ओनर जी, जी जी। और दूसरा हमारे साथी जो है वो राजस्थान से हैं जी, तो वहाँ भी करीब 20-22 मेंबर्स हैं, तो हम सब
इकट्ठा ये काम कर रहे हैं और हमारा ग्रुप सर्टिफिकेशन। तो आपने ग्रुप का क्या नाम रखा है आपने? ये नेचरलैंड ऑर्गेनिक, नेचरलैंड ऑर्गेनिक फूड्स। तो आप इसमें एक्सपोर्ट्स का भी भविष्य तलाशते हैं? हमारा शुरुआत से ही हमने ये देख लिया था कि जब ये प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसकी मार्केटिंग भी खुद करनी होगी। अच्छा। और जब मार्केटिंग करना पड़ेगा तो उसके लिए प्रोसेसिंग और पैकेजिंग भी चाहिए। ठीक बात है। तो हमारा 2005 से ही हमारा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो भी साथ की साथ ही हमने शुरू कर दिया था, सर्टिफिकेशन में ले लिया था। ओके। और आज भी उसी के अंडर हमारा वहाँ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग भी हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, बतौर किसान जी, आप अपने प्रोफेशन से खुश हैं? बहुत अच्छी तरह, मतलब संतुष्टि महसूस होती है कि आप इस अच्छे प्रोफेशन में आए। हम एक इसे बहुत, हमारे लिए बहुमूल्य देन मानते हैं भगवान की कि हमें अपने किसान परिवार में और ऐसी जगह में पैदा किया जी, जहां हमें सब तरह का सुविधाएं हैं, सब उपलब्धता है जी। बस उसके लिए ज़रूरत है अपना मेहनत और अपना एक सोच होनी चाहिए जी, अपने संसाधनों का, प्रकृति संसाधनों का इस्तेमाल करना, अच्छे से प्रयोग करना जी, और उसका मतलब सामुदायिक रूप से भी उसका सबको अच्छा लाभ मिले। सही बात है, सही बात। जो दो साल पहले तो हम गए थे चंडीगढ़। अच्छा, चप्पड़चिड़ी में। अच्छा जी, वो कार्यक्रम हुआ था? हाँ, वो कार्यक्रम हुआ था जी। तो सीएम प्रकाश सिंह जी बादल साहब ने भाई साहब को इनाम भी दिया जी, ऑर्गेनिक जी 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 जी। देखिए, ऐसे बहुत कम किसान हैं जो एक पूरा एक एंटरप्राइज सिस्टम डेवलप करके, क्योंकि 2005 से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना कितनी बड़ी सोच है। मतलब आज देखो 14 साल हो गए और उसका खर्चा भी होता है, लोग खर्चे से भी भागते हैं, और फिर प्रोसेसिंग यूनिट को भी उसमें लेके आना, मतलब वाकई एक बहुत बड़ा काम है। ऑर्गेनिक के लिए तो अब तो मैं अब क्या बताऊँ, अब देख रहे हैं भाई साहब जो कर रहे हैं जी, ये पूरे मन लगा के कर रहे हैं, और अब तो यूँ देखते हैं एक दो दिनों से, दो चार दिनों से इनके पास ऑर्गेनिक ये पढ़ के, ये आजकल व्हाट्सएप चलता ही है जी जी, तो इन भाई साहब के पास कोई ना कोई आया रहता है जी जी जी, ये भी बड़ी खुशी की बात है। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है भी कोई भी किसान है ना, उसको तीन चीज़ मिल सकती हैं ज़िंदगी में, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन। मंडी ये आपको तीनों चीज़ें नहीं दे सकती, ना आपको इज्जत दे सकती, ना आपको पहचान दे सकती, ना आपको पैसे दे सकती। जो किसान इन तीनों चीज़ों को कमा सकता है तो खुद कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब साहब इज्जत भी कमा रहे हैं, पहचान भी कमा रहे हैं, क्योंकि मंडी कहती है भैया आगे फेंक जाओ, हम तुम्हें तुम्हारा ना तो नाम बताएंगे किसी को, ना तुम्हें पहचान देंगे, पैसे तो किसी को दिया नहीं करते। तो अब जितने भी लोग हैं ना भाई साहब से जितने मिले हुए हैं जी, या जिन्होंने ये चीज़ देखी है जी, तो खुद इनको टेलीफोन करके अब देखते हैं। अब इन्होंने छोटी टक्की भी कैसे जी 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 लगा रखी है, ये जैसे आपको ला के दिया है जी, तो इनसे फ़ोन पे कर देते हैं भाई हमारे को ये चीज़ दे दो और ये माल हमारे को भेज दो। सही बात, कई चीज़ लगा रखी है, कोशिश करें पूरी। मैं अभी रास्ते में लोग आ रहे थे, हमें किसान से मिले, उनका नाम है राकेश गुदारा। उस बंदे ने बताया कि मैं 70 फसलें एक साल में अपने खेत से लेता हूँ, 70 फसलें। ये थे हरियासर, एक जगह आती है वहाँ पे, उनका बिल्कुल रोड पे खेत है। आप मान के देखिए, हनुमानगढ़ से उनका खेत 150 किलोमीटर दूर है। हाँ, हनुमानगढ़ से 150 किलोमीटर दूर है, 3 घंटे लगते हैं जाने में बस को वहाँ से। उन्होंने 1.25 बीघा के अंदर हर सब्जी उगा रखी है, 1.25 बीघा में हर सब्जी जो थोड़ी थोड़ी रोज पैदा होती है, 50 किलो सब्जी वो डेली लोकल बस जाती है, उसमें वो 1 बजे चढ़ाते हैं हनुमानगढ़ के लिए, 4 बजे वो सब्जी हनुमानगढ़ बस स्टैंड पे पहुंचती है, 4:30 बजे वो पहुंचती है स्टोर पे। जैसे ही वो सब्जी वहाँ से चढ़ाते हैं ना, व्हाट्सएप कर देते हैं भाई आज मैंने ये सब्जी भेजी है। उस सब्जी को लेने के लिए लोग पहले से वहाँ खड़े होते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते, सबको कूपन दे रखे हैं। सब्जी का रेट पूरे साल का फिक्स है, ना रेट ऊपर होगा ना नीचे होगा। 20 रुपये किलो है, 5 की मार्केट में होगी तो 20 बेचेंगे, 100 की होगी मार्केट में तो भी 20 ही बेचेंगे। और वो कभी पैसे में सब्जी नहीं देते, कूपन खरीद लो भैया, पहले ही एडवांस में कूपन खरीद लो, कूपन दे जाओ, सब्जी ले जाओ। हकीकत के नाम से ही लोग कर रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार 70 फसलें एक किसान अपने खेत से ले रहा है, वो तो यार राजा है वो आदमी।
और उसने बाजार को कैसे मैनेज किया है। कहता है यार डॉलर का रेट कितना ही हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम आज 20 रुपए किलो सब्जी बेच रहे हैं, हमारे नहीं पड़ता है कल 25 कर देंगे जी। और लोग लाइन लगा के उस चीज़ को सब्जी मांगते हैं उनसे, क्योंकि उनको पता है। देखो उन्होंने अपने खेत में एक सिस्टम डेवलप किया, जो हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं ना, सर्टिफिकेशन होता है अनजान लोगों के लिए। जैसे अब आपने एक्सपोर्ट करना है, आप लोग जर्मनी में रहते हैं, अब वो यहाँ आ तो सकते नहीं है। उन्होंने कहा भी चलो एक काम करो, एक सर्टिफिकेशन का सिस्टम बना दो, हम उसको मान लेंगे। लेकिन अब जो लोकल है, जैसे आप रहते हैं गांव में, एक बगल में भाई साहब रहते हैं कस्बे में, जो अब उन्होंने क्या सिस्टम बनाया, चार अपने खेत पे सिस्टम बनाए। पहला है लोकेलिटी, सेकंड सीजनलिटी, थर्ड ट्रांसपेरेंसी, फोर्थ ट्रेसेबिलिटी। एक तो अपने खेत की लोकेशन बता दी उन्होंने पब्लिकली, भाई मेरा ये खेत है, इसमें आगे देखो सीवर का पानी नहीं लगता, मेरा ये खेत है, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ये मेरा दरवाजा है, यहाँ पे मेरा खेत है, आगे देख लो भाई, इसमें सीवर का पानी नहीं लगता, क्योंकि पहली बीमारी है सीवर का पानी, ठीक है जी। दूसरा है सीजनलिटी, कि भाई बगैर सीजन की मैं कोई सब्जी करता ही नहीं, पैदा करेंगे तो मेरा ये सवे बिघे खेत है, इसमें सारी सब्जी लगी हुई है जो इस सीजन में लगती है, सीजन में, क्योंकि जो गैर मौसमी सब्जी है उसी में कीड़ा पड़ता है, कीड़ा भी होगा उसके लिए आपको सब कुछ करने पड़ेंगे, सब ड्रामे करने पड़ेंगे। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, गैर तो करने वाली बहुत धक्के की बात है, धक्के की बात है ना। वो कीड़ा इसलिए आता है, कुदरत कहती है भैया इसको खत्म करो, ये क्या क्या उग गया, क्या उगा दिया तुमने। अब किसान फिर टंकी ढाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि रेट गोभी का 80 रुपए किलो रखा है। तो आपका जो हकीकत स्टोर, आप मैं वो जाके देख के आया था उसको, वो हमसे हमारा गुड़ शक्कर लेके जाते हैं, गेहूं और छोटा बड़ा का उत्पाद जो है वो हमसे लेते रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, उनके पास जाता है। दूसरा सर सीजनलिटी, सीजनल ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में उन्होंने क्या किया, अपना पूरा सिस्टम खोल के बता दिया। खोल के मतलब ये है कि भाई हम इस तरीके से खेती करते हैं, ये हमारी गाय हैं, ये गौमूत्र है, ये खेत है हमारा, ये हमारी लेबर है, इसमें हम इस ऐसे ऐसी चीज़ उगाते हैं। कोई भी सवाल आप पूछो उसका वो आपको जवाब देंगे। फिर चौथा है ट्रेसिबिलिटी, हर चीज़ को आप ट्रेस कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे आपने देखा यार, इन्होंने करेले तो लगाए नहीं थे, करेले कहाँ से आ गए, तो आपने तुरंत कहा भी हमें तो बताओ अपना करेले के पौधे दिखाओ। अगर 5 मिनट के अंदर वो करेले के पौधे ना दिखाए तो वो चोर। दूसरा आपने फार्म पे वो नाने दे किसी को तो चोर। तो उन्होंने कहा भैया हमारा फार्म भी खुला है, उन्होंने फार्म पे सीसीटीवी कैमरे तक लगा दिए, क्या भैया आके तुम चेक कर लो फुटेज, भैया कोई स्प्रे तो नहीं मारता। दूसरा उन्होंने कुछ वहाँ पे इंडिकेटर्स लगाए, जिसको बोलते हैं ना सबूत, कुदरती सबूत होते हैं। जैसे उन्होंने वहाँ पे अमरूद के पेड़ लगाए, अब 50 डिग्री टेम्परेचर में रेत के टिब्बे में अमरूद आप लगाओगे तो वो एक दिन नहीं चल सकते, आपको उस पर ग्रीन शेड लगाने पड़ेंगे, ग्रीन कवर करने पड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, अमरूद का पौधा लगाया, उसके चारों तरफ बोदी बाजरी, अब बाजरी की बड़ी बड़ी हो गई, उसने ढक लिया उसको अमरूद को, अब वहाँ ठंडक पड़ी, दिन रात में चिड़िया क्या चाह रही है, वो चिड़िया वहाँ पे बाजरी खा रही है, इधर बगल में सब्जी है, वहाँ से वो खा रही है, कीड़े उठा रही है वहाँ से। अब इस चीज़ को आके लोग आगे देखते हैं, इस चीज़ का इंडिकेटर है। मिश्रित खेती और प्राकृतिक संतुलन यही तो है। अब खरपतवार है भाई, किसान जहर कहाँ मारेगा, खरपतवार में मारेगा, वो अपने खरपतवार दिखा के फोटो खींचते हैं, ये हमारे खरपतवार हैं बताओ, हमने हाथ से निकाल रखे। तो जब कंज्यूमरों ने कूपन खरीद लिए, मतलब ये कि एडवांस पेमेंट दे दिया, पैसे आ चुके, सब्जी भी उगनी है अभी, पैसे पहले आ गए, लोग लेट हो जाते हैं, सब्जी मिलती नहीं उनको, इन्होंने कूपन ले लिया, उनके पैसे आ गए, बस बात खत्म होगी। अब ऐसा सिस्टम किसानों ने, अब हमने इस शोध यात्रा के दौरान ही देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 70 फसलें किसान खेत में उगा रहा है, उस पर 16 एकड़ जमीन है, 70 फसलों के नाम बता दिए।